तो यार आज की वीडियो में मैं आपको कन्फर्म डिवाइस लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि मैं 2021 में रियलमी के कौन कौन से स्मार्टफोन में कौन सा अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा कलर्स की तरफ। एंड रिसेंटली मैं रियलमी के काफ़ी सारे स्मार्टफोन में रियलमी UI 2.0 या फिर 1.0 बेड न्यू अपडेट प्रोवाइड हुए हैं। वो कौन कौन से स्मार्टफोन हैं, कौन सा अपडेट प्रोवाइड हुआ है, फुल डिटेल के साथ में बात करेंगे। तो यार हो सके तो वीडियो को एंड तक वॉच की जगह बिकॉज में भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजू मेनो आपको पता होगा कल Realme 7 Pro डिवाइस में Realme UI 1.0 का न्यू अपडेट 8.39 प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमें अप्रैल 2021 का न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। एंड साथ ही साथ हमारे फोन की परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव किया गया है Realme तरफ से। हालांकि अपडेट फिलहाल Android 10 बेड अपडेट है। एंड साथ ही साथ जिनकी डिवाइस में अभी भी 2.0 का ऑफिशियल वर्जन नहीं मिला, एंड शायद आपको यह भी पता होगा Realme 7 Pro डिवाइस में 2.0 का ऑफिशियल वर्जन भी प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल उन्हीं के डिवाइस में 2.0 का ऑफिशियल वर्जन मिला है, जिनके फोन में 2.0 का ऑलरेडी बीटा अपडेट अपडेटेड था। एंड जिनके डिवाइस में अभी भी एंड्राइड 10 का अपडेट रन कर रहे हैं, उनके डिवाइस में 2.0 का ऑफिशियल वर्जन में भी 10 टू 15 डेज के पहले पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा रियलमी तरफ से। एंड साथ ही साथ हमारा अगला स्मार्टफोन है रियलमी नार्जो 20 प्रो। रियलमी नार्जो 20 प्रो डिवाइस में भी अप्रैल 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। फिर हमारा अगला फोन है रियलमी 7 का। रियलमी 7 डिवाइस में कल रियलमी UI 1.0 8.89 प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है, जिस अपडेट की साथ में हमें मार्च एंड अप्रैल 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। साथ ही साथ हमारे फोन की परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव किया गया है रियलमी तरफ से। एंड एजू मेनो, जैसा कि आपको पता होगा हमारे फोन में मार्च 2021 का भी सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं मिला था। एंड साथ ही साथ जो वेट कर रहे हैं रियलमी UI 2.0 के ऑफिशियल वर्जन का, तो मिड में प्लस फिर रियलमी UI 2.0 का ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड हो जाएगा रियलमी 7 डिवाइस के लिए। एंड मे बी स्टार्टिंग में रियलमी 7 डिवाइस में 2.0 का ऑफिशियल वर्जन ओनली उन्हीं यूजर को मिलेगा जिनका फोन ऑलरेडी रियलमी UI 2.0 बीटा अपडेट में अपडेटेड होगा। एंड जिनका फोन अभी भी एंड्राइड 10 में रन कर रहा है, उनके डिवाइस में फिलहाल 8.89 का अपडेट प्रोवाइड होगा। फिर उनके डिवाइस में एट लास्ट में 2021 तक 2.0 का ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपको पता होगा जब भी कोई ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड होना स्टार्ट होता है ना, लाइक दैट रियलमी 7 प्रो ही आप ले सकते हैं। जिनका फोन एंड्राइड 10 पे रन कर रहा था, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि उनके डिवाइस में 2.0 का ऑफिशियल वर्जन मिला या फिर नहीं मिला। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये अपडेट IMEI नंबर के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, वो भी बैच वाइज में। तो आपके डिवाइस में ये अपडेट रिसीव होते होते थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कल में भी रियलमी C15 डिवाइस में 2.0 का ओपन बीटा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था रियलमी तरफ से। एंड साथ ही साथ रियलमी 7i डिवाइस में भी 2.0 का ओपन बीटा सपोर्ट मिला था। एंड साथ ही साथ रियलमी नार्जो 20 डिवाइस में भी अप्रैल 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। अगर ये अपडेट आपके डिवाइस में नहीं मिला तो आप वेट कर सकते हैं, विद इन अ वीक का ये अपडेट आपके डिवाइस में एट लास्ट रिसीव हो जाएगा OTA के थ्रू। जो भी अपडेट के बारे में आपको बता रहा हूँ, आप विद इन अ वीक का वेट कर सकते हैं, एट लास्ट ये अपडेट आपके डिवाइस में प्रोवाइड होना स्टार्ट हो ही जाएगा। एंड साथ ही साथ हमारा अगला फोन है रियलमी X7 का। एंड एजू मेनो, शायद आपको पता होगा रियलमी X7 डिवाइस में 1.0 बेट न्यू अपडेट अप्रैल 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। अगर ये अपडेट आपके डिवाइस में नहीं मिला तो आप वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ये अपडेट आपके डिवाइस में विद इन अ वीक के पहले पहले प्रोवाइड हो जाएगा। एंड साथ ही साथ जो यूजर वेट कर रहे अपने डिवाइस में 2.0 फर्स्ट बैच बीटा अपडेट का, तो यार आपके डिवाइस में इसी मंथ में 2.0 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट मिलेगा। ये अपडेट कब मिलेगा मैं आपको बता दूं, 25 तारीख के बाद मिलेगा। एंड इसके बारे में आपको अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे आप देख करके फुल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हमारा अगला फोन है Realme Narzo 20 का। इसमें भी अप्रैल 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है, अपने डिवाइस को चेक कर सकते हैं। एंड Realme 7 Pro डिवाइस में 2.0 का ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो ही चुका, आपको पता होगा। एंड Realme 6 Pro डिवाइस में भी 2.0 का ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका। अगर आपके डिवाइस में नहीं मिला तो आप वेट कर सकते हैं, विद इन 10 टू 15 डेज का ये अपडेट आपके डिवाइस में एट लास्ट रिव्यू हो जाएगा OTA के थ्रू। एंड फिर हमारा अगला फोन है Realme Narzo 30 Pro 5G। इसमें भी अप्रैल 21st का सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। ये रही कुछ पिछले डिवाइस जिनमें न्यू अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। अब Realme 3 Pro, 5 Pro, Realme X60 इन सभी डिवाइसों में मई 2021 के मिड प्लस में Realme UI 1.0 बेट न्यू अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको मई 2021 का न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। इन साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा Realme तरफ से। एंड फिर हमारा अगला फोन है Realme 3 3i, Realme 5 5S एंड 5i। इन सभी
डिवाइसों में 1.0 बेड न्यू अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट होगा अप्रॉक्सिमेटली 20 फेकड में प्लस फे एंड आपके डिवाइस में मई 2025 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा एंड साथ ही साथ आपके फोन की परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा और रियलमी तरफ से। एंड साथ ही साथ हम बात करें अगले फोन के बारे में, तो हमारा अगला फोन है रियलमी 6 का। फिर रियलमी 6 डिवाइस में 2.0 का ओपन बीटा सपोर्ट में भी मई 2025 के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। तो आप एक्टिव रह सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में, क्योंकि वहां पे अप्रॉक्स 4000 यूजर एक्टिव रहते हैं, तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी कि रियलमी के कौन से स्मार्टफोन में कौन सा अपडेट प्रोवाइड हो रहे हैं एंड आप भी अपने डिवाइस में न्यू अपडेट को ग्रैब कर सकते हैं। एंड रियलमी 6 Realme X2 इन सभी डिवाइसों में 2.0 का ऑफिशियल वर्जन जून 2025 में प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से। एंड साथ ही साथ Realme 7 X2 Pro, Realme Narzo 20 Pro इन सभी डिवाइसों में 2.0 का ऑफिशियल वर्जन में भी मई 2025 के लास्ट वीक तक प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपके डिवाइस में कोई भी बग एंड इश्यू देखने को मिल रहे तो आप Realme इंडिया को फीडबैक को प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे इन फ्यूचर आपके डिवाइस में जो भी अपडेट मिलेगा उस अपडेट के साथ में आपके डिवाइस के सारे बग एंड इश्यू को फिक्स कर दिया जाएगा Realme तरफ से। एंड अगर अभी तक आपने फीडबैक को प्रोवाइड नहीं किया तो मैं आपको डायरेक्टली फीडबैक प्रोवाइड करने का ट्रिक बता दे रहा हूं। आप जो अपने फोन के डायलर में वहां पे टाइप करो *FAWF, फिर आपके डिवाइस में Realme UI 1.0 या फिर 2.0 का फीडबैक पेज शो हो जाएगा। आपका फोन 1.0 में हो या फिर 2.0 में, अगर आपके डिवाइस में कोई भी इश्यू देखने को मिल रहा है आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो *FAWF, फिर आपके डिवाइस में 2.0 या फिर 1.0 का फीडबैक पेज शो हो जाएगा। वहां पे आपने फोन का फुल फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो एंड मे बी इन फ्यूचर आपके डिवाइस में जो भी अपडेट मिलेगा उस अपडेट के साथ में आपके डिवाइस के सारे बग एंड इश्यू को फिक्स करने की पूरी कोशिश की जाएगी। देन दैट फिट एंड बहुत सारा थैंक्स। आई होप हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर की गई आपको जरूर से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपका कोई एक्स्ट्रा या फिर एक्सटर्नल क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको रिप्लाई करने की विद सॉल्यूशन। देन दैट फिट एंड बहुत सारा थैंक्स। वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलेगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा जहां पे आप विजिट करके काफी सारे पैसे को अर्न कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहां पे साइन अप करने के तुरंत बाद आपके अकाउंट में 5000 रुपए तक का साइन अप बोनस भी ऐड कर दिया जाएगा। एंड मैं आपको बता दूं यहां पे आपको काफी सारे गेम्स भी देखने को मिल जाएंगे जहां पे आप गेम्स खेल के पैसे को अर्न कर सकते हैं, लाइक द ट्रमी सर्कल वगैरह। एंड इसका विड्रॉल मेथड काफी ज्यादा सिंपल है, आप अपने बैंक अकाउंट या फिर UPI के थ्रू अपने अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करवा सकते हैं। सो आई होप आप एक बार यहां पे जरूर से विजिट करेंगे एंड विजिट करने के बाद आपको प्रॉफिट तो होगा ही।